नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में आज स्कूल बंद, भारी बारिश के अलर्ट के बाद निर्देश जारी। झारखंड सरकार ने शनिवार को पूरे झारखंड में भारी वर्षा होने के मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए झारखंड में शनिवार 3 अगस्त को सभी स्कूल को बंद करने का आदेश दिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। यह आदेश सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों पर कक्षा केजी से 12वीं तक के लिए लागू होगा। बता दें, राज्य सरकार ने भारी वर्षा की चेतावनी देखते हुए जिले के उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। इन्हें कहा गया है कि ऐसी परिस्थिति को देखते हुए तत्काल सुरक्षात्मक उपाय लागू करें। आपदा प्रबंधन ने सभी जिलों को इस बाबत सतर्क किया है। इस बाबत मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया विशेष बुलेटिन भी संलग्न किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। राज्य के गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग और गुमला में कहीं कहीं अत्यधिक वर्षा हुई है। इसके अलावा कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, देवघर, जामताड़ा और सिमडेगा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। 3 अगस्त को गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की भी संभावना है। रांची बारिश से बेहाल, एनडीआरएफ की टीम उतरी। राजधानी रांची समेत झारखंड के सभी इलाकों में शुक्रवार को भारी बारिश हुई है। कई निचले इलाके डूब गए हैं, सड़क लबालब हो गई है। कुछ इलाकों में ट्रेन ट्रैक पर भी पानी चढ़ गया है, जिसके चलते घंटों परिचालन बाधित रहा। बता दें, गुरुवार देर रात से शुक्रवार रात तक होती रही भारी बारिश के कारण रांची बेहाल हो गई है। शहर के दीपा टोली के बांधगाड़ी इलाके में एनडीआरएफ को उतारा गया है। यहां घरों के अंदर फंसे 35 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार को भी राज्य में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सभी जिलों के डीसी को अलर्ट करते हुए सभी तैयारी दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सबसे अधिक बारिश दुमका जिले के नाला में 145 मिलीमीटर और जामताड़ा में 133 मिलीमीटर की गई है। सीएम हेमंत की घोषणा, इंडिया की सरकार बनी तो हर घर को देंगे 1,00,000 रुपए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को विपक्ष पर जमकर बरसे। भाजपा विधायकों के हंगामे के बीच उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र की नीतियों पर प्रहार किया। साथ ही ऐलान किया है कि इंडिया की सरकार बनी तो हर घर को 1,00,000 रुपए देंगे। सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी सरकार ने 1,50,000 नौकरी दी तो उन्हें जेल में डलवा दिया गया। 5 माह सरकार में रहते तो 5,00,000 नौकरी देते। आगे देखिएगा, इसके 50% विधायक हारेंगे। हमारा लक्ष्य सामने है, हम झुकने वाले नहीं हैं। सीएम ने कहा है कि उनकी सरकार ने सहायिका सेविका का मानदेय बढ़ाया, संविदा कर्मियों के मामले में 1200 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया। गर्व से कहते हैं कि जो हमने 5 साल में किया ये 50 साल में नहीं कर पाते। ये न काम करते हैं और न काम करने देते हैं। झारखंड में जातीय जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जल्द। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन कुल 32 गैर सरकारी संकल्प विधायकों के द्वारा ले गए। विरोधी दल भाजपा के विधायक इस दौरान अनुपस्थित रहे। प्रदीप यादव ने अपने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से जातीय जनगणना, 27% आरक्षण और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग की। इस पर जवाब देते हुए मंत्री बैद्यनाथ राम ने कहा है कि 27% आरक्षण और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का मामला भारत सरकार के गृह मंत्रालय में लंबित है। वहीं जनगणना के लिए कार्मिक प्रशासनिक विभाग से जल्द ही नोटिफिकेशन कराने और उसे आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और तत्काल प्रभाव से लागू कराने का प्रयास करेंगे। तारीख नहीं दे सकते पर जनगणना की कार्यवाही शीघ्र शुरू होगी। बता दें, जातीय जनगणना का मामला काफी आगे बढ़ा है। मंत्री बैद्यनाथ राम ने कहा है कि कार्मिक विभाग इस दिशा में काम कर रहा है। झारखंड के 1,00,000 किसानों को मिलेगी वित्तीय सहायता। इंडियन रूरल कोलोक्वी 2024 कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को बिरसा हरित कार्बन क्रेडिट फंड को लॉन्च किया गया। यह फंड बिरसा हरित ग्राम योजना के 1,00,000 किसानों को लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। फंड का उपयोग कार्बन पृथक्करण के माध्यम से 20 वर्षों में किया जाएगा। इस तरह जलवायु संरक्षण के लिए कार्बन वित्त परियोजना शुरू करने में झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। ट्रांसफर रूरल इंडिया और XISS रांची द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति तथा परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। यह कार्यक्रम राजधानी स्थित BNR चना के होटल में आयोजित किया गया था। लोबिन की सदस्यता समाप्ति पर रोक से कोर्ट का इनकार। हाई कोर्ट ने झामो से निष्कासित विधायक लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता समाप्त किए जाने के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में स्पीकर कोर्ट में सुनवाई से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। बोरियो के न्यू वर्तमान विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने 25 जुलाई को विधानसभा के स्पीकर कोर्ट द्वारा उनकी सदस्यता रद्द करने के फैसले को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने याचिका में कहा है कि स्पीकर ने विशेष दबाव में आकर यह फैसला लिया है, यह बोरियो की जनता के साथ विश्वासघात करने जैसा है। याचिका में कहा गया है कि मानसून सत्र की घोषणा पहले हो चुकी थी और सत्र में लोबिन अपने क्षेत्र से जुड़े 2 सवालों को पलट पर रखने वाले थे। उनकी अनुमति भी स्पीकर से प्राप्त हो चुकी थी, उसका जवाब भी आना था, लेकिन अचानक स्पीकर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला सुना दिया है। मैया सम्मान योजना का लाभ के लिए आवेदन आज से शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा परिसर से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए 10 LED वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन सभी LED वाहनों के माध्यम से रांची, रामगढ़ एवं खूंटी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। विदित हो कि झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कर कमलों से प्रचार प्रसार वाहन रवाना होने के पश्चात रांची, रामगढ़ एवं खूंटी जिले के अलावे राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त द्वारा अपने अपने जिलों में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बृहद प्रचार प्रसार के लिए शुक्रवार को LED वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस प्रकार योजना के व्यापक प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई है। बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठियों पर करेंगे नियंत्रण। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में भाजपा के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही कहा है कि झारखंड में भाजपा की सरकार आई तो घुसपैठियों पर नियंत्रण करेंगे। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा है कि राजनीति हमेशा चलती रहेगी, सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन यह सभी राजनीति पार्टियों की जिम्मेदारी है कि राज्य को बचाया जाए। उन्होंने हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि घुसपैठियों के मुद्दे को नज़रअंदाज न करें। यदि इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया गया तो 30 साल बाद विधानसभा के हॉल में बैठे रहेंगे और झारखंड के CM लाचार होकर घुसपैठियों के सामने सरेंडर कर देंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि राज्य में भाजपा की सरकार बने ताकि घुसपैठ को रोका जा सके। केदारनाथ में 1200 तीर्थयात्री फंसे, बारिश से राहत में बाधा। केदारनाथ मंदिर क्षेत्र में शुक्रवार को बचाव अभियान में मौसम बाधा बना है। केदारनाथ में एयरलिफ्ट के इंतजार में यात्री हेलीपैड के पास लाइन में खड़े नजर आए। शुक्रवार शाम तक 7000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया, जबकि 1200 से ज्यादा यात्री अब भी फंसे हुए हैं। मृतकों की संख्या 17 हो गई है। केदारनाथ में खराब मौसम के कारण जहां वायुसेना का चिनुक हेलीकॉप्टर गैचर हवाई पट्टा से पूरे दिन उड़ान नहीं भर सका, वहीं MI-17 हेलीकॉप्टर भी सुबह सिर्फ एक चक्कर लगाकर 15 यात्रियों को गोचर पहुंचा सका है। मूसलाधार बारिश से रजरप्पा में भैरवी नदी उफनाई। रजरप्पा कोयलांचल क्षेत्र में गुरुवार रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस कारण क्षेत्र के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं लगातार बारिश होने से रजरप्पा मंदिर स्थित भैरवी नदी उफान पर है, जिससे छिलका पुलिया भी डूब गई है। साथ ही नदी किनारे अवस्थित दर्जनों पुल, प्रसाद और मनिहारी दुकानें जलमग्न हो गए हैं। इससे दुकानदारों को हजारों रुपए की क्षति हुई है। छिलका पुलिया डूबने के कारण गोला की ओर से आने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। इस मार्ग से पहुंचने वाले श्रद्धालु नया पुल होकर मंदिर पहुंचे और मां छिन्नमस्तिके देवी की पूजा अर्चना की। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शुक्रवार को 21 इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ बैठक की और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। एजेंसियों के पदाधिकारियों को CEO ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा के लिए जल्द ही भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड आएगी। इसके पहले ही इन्फोर्समेंट एजेंसी अपनी तैयारी पूरी कर ले। इस संबंध में वे अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ले ताकि भारत निर्वाचन आयोग की टीम जब यहां आए तो उन्हें हर तरह की तैयारियों के बारे में जानकारी दिया जा सके।
के रवि कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़ों का विश्लेषण करके अद्यतन परिस्थितियों के अनुरूप विधानसभा चुनाव की तैयारियों का खाका तैयार कर ले। पानी में डूबी बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन की पटरी। बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन शुक्रवार को मूसलाधार बारिश के कारण जलमग्न हो गया। स्टेशन के पास रेल पटरी पानी में डूब गया। इस कारण करीब 9 घंटे तक ट्रेन का परिचालन ठप हो गया। इस दौरान राजकीय श्रावणी मेला के दौरान शुक्रवार को बाबा बासुकीनाथ आने वाले देश भर के श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी हुई। सुबह 10:30 बजे के बाद बासुकीनाथ स्टेशन पहुंचे कांवरिया ट्रेनों के इंतजार में घंटों इंतजार किया। वहीं स्टेशन से बार बार सूचना प्रचारित होती रही कि जल जमाव के कारण अस्थायी रूप से ट्रेनों के स्थगित रखा गया है। इस बीच जल जमाव को लेकर सुबह 10:30 बजे के बाद बासुकीनाथ स्टेशन पहुंचे हजारों कवारियों और यात्री घंटों ट्रेनों का इंतजार करते रहे। धनबाद में बारिश और गैस रिसाव से विजिबिलिटी कम। धनबाद में लगातार हो रही बारिश ने धनबाद जिले का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के कारण सबसे अधिक दिक्कतें कोलवरी इलाके में है। यहाँ की बस्तियों में धुंध छाया हुआ है और सड़कें पूरी तरह से धुंधली हो गई है। सामने 50 मीटर की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यह हाल खासकर BCCL के उन कोलवरी इलाकों का है जहाँ अग्रिम परियोजनाएं हैं। बैंक मोड़ से केंदुआ जाने वाली धनबाद बोकारो मुख्य सड़क पर गोधर काली मंदिर से लेकर मोड़ तक सड़क पर धुंध जमी हुई है। नतीजतन यहाँ गाड़ियों को अपनी हेडलाइन ऑन कर पार होना पड़ रहा है। विधायकों ने 1,000 रुपये किलो बेचा बालू। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहा। सत्र के दौरान हंगामा करने के आरोप में स्पीकर ने 18 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। इस दौरान सभी सस्पेंड विधायकों ने विधानसभा की चौकट पर हंगामा किया। विधायकों ने सरकार की बालू नीति का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया। विधायकों ने विरोध का अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने 1,000 रुपये प्रति किलो की दर से बालू की बिक्री की है। बीजेपी विधायक तराजू और बालू लेकर विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने सरकार पर बालू की कालाबाजारी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि फ्री में बालू देने की रणनीति हवा हवाई है। जनता को इसका लाभ कैसे होगा, इसका सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। झारखंड के अग्निवीरों को सीएम हेमंत देंगे अनुग्रह राशि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अग्निवीरों पर बड़ा बयान दिया है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य के अग्निवीरों को उनकी सरकार अनुग्रह राशि देगी। अगर झारखंड के किसी अग्निवीर का निधन हो जाता है तो उनके आश्रित को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन ये घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। वहीं भाजपा विधायकों ने सदन में खूब हंगामा किया है। भाजपा ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही उनको पद से हटाने का नोटिस भी दिया है। धन्यवाद।